चलिए स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक टू द क्लास. पिछली क्लासेस के अंदर हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे. ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के काफी सारे क्वेश्चंस किए थे. आज की क्लास में हम उन्हीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आगे बढ़ेंगे. ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट सर्किट्स में, वी विल टॉक अबाउट दैट. उससे पहले मुझे ये बताइए, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं, फटाफट सभी बताएं. Tell me if the audio and video is clear or not. Yes, everyone. चलिए, audio video clear है, बहुत बढ़िया. आइए आगे देखते हैं. चलिए, now for example we have a circuit like this. This is the circuit. इसमें 10 ohm का resistance है, 10 ohm की 10 volts की battery है. हमसे पूछा है current कितना होगा. हमसे पूछा है current कितना होगा. क्या करेंगे हम? Ohm's law लगाएंगे. क्या लगाएंगे? Ohm's law. Ohm's law लगाने के लिए हम V is equal to IR put करेंगे. V की value 10, I की value 10, R की sorry, V की value 10, I की value हमें निकालनी है, R की value 10. So, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल, I की वैल्यू अभी 1. That means current in this circuit is 1 ampere. ठीक है, current इस circuit में कितना आया? 1 ampere. कैसे निकाला हमने? तो we have used the Ohm's law and using the Ohm's law we have calculated it. हमने इसको Ohm's law की मदद से calculate करा. ऐसे ही अगर मेरे पास circuit कुछ इस तरीके से होता तो अगर ये मेरे पास सर्किट होता तो इस सर्किट में क्या दिख रहा है? ये 5 ओम रेजिस्टेंस, ये 15 ओम रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट की बैटरी. कोई मुझसे पूछता है, इसमें बताओ करंट की वैल्यू कितनी होगी. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं. सबसे पहले रेजिस्टेंस है 5 प्लस 15, सो 5 प्लस 15 आंसर इज 20. ठीक है, 5 प्लस 15 आंसर इज 20. देन वी विल अप्लाई ओम्स लॉ. ठीक है, V की वैल्यू कितनी है? 10. I हमें निकालना है, R की वैल्यू है 20. I की वैल्यू यहाँ से आ जाती है 10/20, आंसर आ जाएगा 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर. ठीक है, कैसे निकाला? We have calculated again with the help of Ohm's law only. ठीक है, Ohm's law की मदद से ही ये कैलकुलेट किया गया. अगला देखते हैं. अगला देखते हैं, अगर सर्किट कुछ इस तरीके से हो तो ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 12 ओम रेजिस्टेंस, ये 4 ओम रेजिस्टेंस. अब इसमें अपन को सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. तो आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू, कैसे निकालेंगे पैरेलल में सॉल्व करके, तो 1/R इज इक्वल टू 1/4 + 1/12. LCM लेंगे 12, ये बनेगा 3 + 1 4/12. R equivalent की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 12/4, आंसर आ जाएगा 3 ohms. So this is the final answer. क्या आंसर आया? 3 ohm. बैटरी कितनी लगी है? 2 वोल्ट की. 3 ohm मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया. Ohms law लगाओ. So V is equal to IR. I will be equal to V by R. V कितना? 2. और R कितना? 3. ठीक है, आंसर आ गया 0.67 एम्पियर. सभी के अंदर एक चीज कॉमन देखो, जितने भी क्वेश्चन अभी सॉल्व किए इन सभी में एक चीज कॉमन है, और वो चीज ये है कि आप सभी के अंदर जब करंट निकालते हो तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड देन यू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट इन द सर्किट, द टोटल करंट इन द सर्किट. करंट की वैल्यू निकालने से पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसको V इक्वल टू IR में पुट करते हो और आंसर निकालते हो. ये आपको याद रखना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे आप एक एक चीज क्लियर होती जाएगी. पिछली क्लासेस में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना था वो सीखा है. अब यहाँ देखो, दोनों सीरीज में, तो 5 + 15 = 20. फिर V इक्वल टू IR लगा दिया, करंट निकाल लिया. ऐसे इधर देखा, यहाँ कितना दिख रहा है? R equivalent is 3.
वी इज इक्वल टू आई आर लगा दिया, करंट निकाल लिया। सो हर क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिए, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट होता है। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसके बाद आप करंट निकालते हो। अब थोड़ा सा सर्किट को करते हैं कॉम्प्लीकेट, इसी सर्किट की बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट सर्किट की बात करते हैं, एक अलग सर्किट देखते हैं, कॉम्प्लीकेट करते हैं थोड़ा सा। आइए काफी सारे क्वेश्चन अपन क्लास में सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रेजिस्टेंसेस की पता रहे, करंट सर्किट को कैसे सॉल्व करना है, वी विल नो दैट, हम ये चाहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज 10 वोल्ट बैटरी एंड दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस, दिस इज आल्सो 10 ओम रेजिस्टेंस। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, नंबर वन आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर टोटल करंट, फिर आई वन एंड आई टू की वैल्यू भी पूछ रहा है। थर्ड नंबर क्या पूछ रहा है, आई वन एंड आई टू, और ये हम जानते हैं कि ये पैरेलल है। क्या जानते हैं कि ये कैसा सिस्टम दिख रहा है, पैरेलल सिस्टम दिख रहा है, एंड पैरेलल सिस्टम में जो भी करंट आता है वो जंक्शन से दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ये हमने पैरेलल के अंदर बात की। सो जो भी करंट आएगा वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा कुछ और कुछ नीचे चला जाएगा, कितना कितना जाएगा उसकी बात करने के लिए हमें यहाँ पर आई वन आई टू की वैल्यू उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखिए, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल, सो वन अपॉन आर इज इक्वल टू 1 upon 10 plus 1 upon 10 is equal to 2 by 10. Answer आ गया R equivalent is equal to 5 ohm. ठीक है, 5 आ गया। अब मेरे को पता है total potential कितना है? ये first part calculate. Total potential कितना है? 10 volt. V is equal to V by R is equal to I. V की value है 10, R की value है 5. Answer आ गया 2 ampere. This is the second. ठीक है? कितना आया करंट, कितना आया 2 एम्पीयर आ गया। इसका मतलब इस बैटरी से 2 एम्पीयर करंट यहां पर आ रहा होगा। अब ये 2 एम्पीयर करंट आगे जाके इस जंक्शन को अप्रोच करेगा एंड जंक्शन से थोड़ा करंट ऊपर चला जाएगा और थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा करंट यहां से ऊपर की तरफ निकल गया और थोड़ा ऐसे नीचे की तरफ निकल गया। कितना कितना निकलेगा उसको निकालने के लिए पहले देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखो ऊपर भी 10 ओम नीचे भी 10 ओम, क्या ये सर्किट सिमेट्रिकल है? क्या ऊपर जितना रेजिस्टेंस है उतना ही नीचे रेजिस्टेंस है? इसका मतलब दोनों से इक्वल करंट निकल जाएगा। ठीक है, क्या ऊपर जितना करंट रेजिस्टेंस है क्या उतना ही नीचे है? क्या बिल्कुल है, सिंस रेजिस्टेंस इन ईच ब्रांच इज 10 ओम ओनली, रेजिस्टेंस हर ब्रांच में कितना है 10 ओम, देयरफॉर करंट जो है I1 वो 1 एम्पियर हो जाएगा और I2 भी 1 एम्पियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे से कितना आ रहा है 2 एम्पियर और दोनों में सेम रेजिस्टेंस होने के कारण ये इक्वली डिवाइड होके दोनों से निकल जाता है। दोनों में सेम रेजिस्टेंस होने के कारण ये इक्वली डिवाइड होता है और दोनों से निकल जाता है। दिस इक्वली डिवाइड्स इटसेल्फ एंड गोस थ्रू देम, 1 ओम ऊपर से निकल, 1 एम्पियर ऊपर से निकल गया, 1 एम्पियर नीचे से निकल गया और खत्म। सिंपल सिंपल फंडा है। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट देखा, वी इज इक्वल टू आई आर देखा एंड आई वन और आई टू जो है वो 1 एम्पीयर के बराबर है, ये चीज अपन ने देखी। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। इस सवाल में तो ऐसा 1 एम्पीयर निकालना आसान था, क्यों? क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंसेस बराबर थे। अगर ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग हो तो क्या होगा, आइए देखिए। अगर ये रेजिस्टेंसेस अलग अलग होंगे तो क्या होगा, अब वही सवाल करते हैं। तो क्वेश्चन सेम है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है बट वैल्यूज चेंज कर देंगे। तो यहां पर मैं वैल्यूज चेंज करके वही पहले वाली वैल्यूज ले लेता हूं, 4 एंड 12। ठीक है, 4 एंड 12 ले लेते हैं और यहां पर अपन ले लेते हैं 6 वोल्ट। ठीक है, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 4 एंड 12 हो गया,
सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, सो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 12 इज इक्वल टू 12, ऊपर आ गया 3 प्लस 1 ये आ गया 4 बाय 12। जब सॉल्व किया तो आर इक्विवेलेंट यहां से निकला 12 बाय 4 इज इक्वल टू 3 ओम। ये नंबर 1 पार्ट अपन ने सॉल्व कर दिया, कैसे, पैरेलल वाला फार्मूला लगा के। अब अपन क्या करेंगे, आई निकालना है सेकंड पार्ट में, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट निकलता है v / r इक्विवेलेंट, v कितना है 6, r कितना है 3, आंसर आ गया 2 एम्पीयर। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया कि टोटल करंट अब इसमें कितना है, इसमें भी 2 ही एम्पीयर टोटल करंट आ रहा है। अब ऊपर वाली ब्रांच से कितना जाएगा और नीचे वाली ब्रांच से कितना जाएगा उसको समझने के लिए ये याद रखो कि पैरेलल में जो भी पोटेंशियल बैटरी देती है, जो भी पोटेंशियल बैटरी देती है वो दोनों पे सेम रहता है। याद करो हमने पैरेलल में पढ़ा था, हमने बोला था सीरीज में करंट सेम रहता है और पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहां पर 12 ओम पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ऑन 12 ओम विल बी सिक्स वोल्ट ओनली। पोटेंशियल 12 ओम पे 6 वोल्ट ही है और पोटेंशियल ऑन 4 ओम विल बी ये भी 6 वोल्ट ही होगा। क्यों, क्योंकि 6 वोल्ट इससे भी कनेक्टेड है, 6 वोल्ट इससे भी कनेक्टेड है, क्यों, क्योंकि पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में पोटेंशियल हर रेजिस्टेंसेस पे सेम रहता है, उसको यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और ऊपर आई वन करंट मान लेता हूं, नीचे आई टू करंट मान लेता हूं, आई वन की वैल्यू निकालते हैं, तो आई वन विल बी इक्वल टू वी वन बाय आर वन। वी वन कितना है, तो देखो आर पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल है, सो 6 डिवाइड बाय 4 आ गया 1.5 एम्पीयर। अगर दो में से 1.5 ऊपर चला गया तो नीचे कितना होगा 0.5, तो आई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई माइनस आई वन जो कि हो गई 0.। और अगर ऐसे नहीं भी निकालना चाहते तो यहां पर क्या करोगे, 6 वोल्ट इस पे भी है, इसको डिवाइड कर दो 12 से, 0.5 आता है। इसका मतलब चाहे मेथड से करो चाहे इससे करो आंसर सेम है। दोबारा देखो क्या किया, दोबारा सुनो क्या कर रहे हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इक्विवेलेंट निकाला 3। ठीक है, 3 इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर हमने क्या किया, करंट निकाला टोटल, टोटल पोटेंशियल डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, टोटल पोटेंशियल है 6, आर इक्विवेलेंट है 3, आंसर आ गया 2। फिर हमने देखा क्योंकि ये पैरेलल में था, ठीक है, यहां पर अपन ऐसा लिख सकते हैं सिंस दे आर इन पैरेलल, सिंस दे आर इन पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल 12 वोल्ट पे 12 ओम पे भी 6 वोल्ट ही है और पोटेंशियल 4 ओम पे भी 6 वोल्ट ही है, दोनों पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल में है, ये चीज याद रखनी है, पैरेलल में होने के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए, इसके बाद हमने क्या देखा, करंट जो है, करंट आई वन ऊपर वाली ब्रांच में, उसको निकालने के लिए वी वन बाय आर वन अपन ने फॉर्मूला यूज किया, वी वन इज 6, आर वन इज 4, तो यहां से अपन ने 1.5 निकाल लिया। टोटल करंट 2 एम्पीयर था, 1.5 माइनस किया तो आंसर आ गया 0.5, दैट मींस ऊपर वाली ब्रांच से 1.5 एम्पीयर करंट है, नीचे वाली ब्रांच से 0.5 एम्पीयर करंट है। एंड दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस तरीके से हम ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुआ कि नहीं। अब बस सर्किट कॉम्प्लिकेट होता जाता है, हर स्टेप में सर्किट को मुश्किल करते रहेंगे, ठीक है, टफ करते रहेंगे। अगला सर्किट मैं आपको दूंगा, आपको टोटल करंट निकाल के बताना होगा, ठीक है, 2 मिनट का टाइम भी दूंगा, आई विल गिव 2 मिनट्स टाइम। फटाफट हैंड रेज करके बताओ यस एवरीवन, पता चले कौन कौन क्लास में ध्यान दे रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ऑडियो वीडियो क्लियर पे भी हैंड रेज करे नहीं करते, बहुत गलत बात है, दैट मींस दे आर जस्ट सिटिंग इन द क्लास। जैसे कि मैं नाम भी ले सकता हूँ, जैसे दिव्यांश व्यास, गिरीशा अग्रवाल, हिमांशु चौधरी, क्रेश रिजवानी, लक्षित, मीत, तनिष कौशिक, त्रिलोक लूना, निहारिका,
they never raise their hands. They are just sitting in the class. I did. चलिए चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं चाहता हूं आप लोग आंसर निकालें उसका. The question is this. मुझे equivalent resistance चाहिए इसका और current की value चाहिए. I want the value of equivalent resistance and total current in the circuit. This is 12 volts. ठीक है. This is 3 ohm. This is 6 ohm and this is 12. I want to calculate what is the total current in the circuit and total रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. बताइए इसको 12 ना लेके 14 टेक दिस एज 14. यहां पर 14 वोल्ट्स 14 यस रेज हैंड्स आर इक्विवेलेंट. R equivalent you have to calculate and total current you have to calculate. R equivalent निकालिए, total current निकालिए, बताइए क्या आ रहा है. काफी बच्चों ने हैंड रेज करे हैं. 13-14 स्टूडेंट्स, 16-17 बहुत बढ़िया. Yes, who will tell? Pavit Singh, batao. Good morning, sir. Good morning. Sir, the equivalent resistance is 7 ohm and total current is 2 ampere. 2 ampere, very good. So the total resistance of the circuit, will be 7 ohm. क्यों 7 ohm है? आइए इसकी बात करते हैं. देखिए सबसे पहले ये दोनों दिख रहे हैं मुझे parallel. So इन दोनों को मैं parallel में solve कर दूँगा. जब मैं solve करूँगा तो this becomes 1 upon R is equal to 1 by 12 plus 1 by 6 is equal to 12. LCM में ऊपर आ जाएगा मेरे पास 1 plus 2 ये बन जाएगा 3 by 12. आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 ohm. लेकिन ये 4 और ये 3 सीरीज में हो जाएंगे और आंसर आर इक्विवेलेंट का मेरे पास आ जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7 ohms. सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ आर इक्विवेलेंट इन दिस केस. आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट निकालना है करंट. करंट के लिए हम क्या करेंगे? V by R equivalent. हम पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे रेजिस्टेंस से. पोटेंशियल कितना है टोटल? 14. करंट का रेजिस्टेंस कितना है? 7. 14 divided by 7 you get 2 ampere. So total current in the circuit becomes 2 ampere. बिल्कुल करेक्ट. यहाँ तक आंसर परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. ये परफेक्ट आंसर 2 ampere and 7 ohm. Now next हम निकालना चाहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल ब्रांचेस है ना, ये दोनों जो इंडिविजुअल ब्रांचेस हैं, इन इंडिविजुअल ब्रांचेस में कितना कितना करंट होगा ये हम निकालना चाहते हैं. तो मैं I1 की वैल्यू भी निकालना चाहता हूं और यहां पर I2 की वैल्यू भी निकालना चाहता हूं. ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसका थोड़ा सा इक्विवेलेंट बना दूं एक बार. ध्यान से देखना, समझो बिल्कुल. इसको थोड़ा यहां से ये हटाया और इसको ऐसे बना रहा हूं. जैसे मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आता है. इधर मेरे पास 4 ओम आ जाता है और इधर 3 ओम आ जाता है और नीचे मेरे पास 14 वोल्ट की बैटरी होती है. नीचे मेरे पास 14 वोल्ट की बैटरी है, इधर मेरे पास 3 ओम है, इधर मेरे पास 4 ओम है. करंट कितना जा रहा है सर्किट में? तो करंट जा रहा है 2 एम्पीयर. इस 2 एम्पीयर से अगर मैं इस 3 ओम पे पोटेंशियल देखूं या इस 4 ओम पे पोटेंशियल देखूं तो अलग अलग आएगा. क्यों अलग आएगा? क्योंकि ये सीरीज में अटैच्ड है. सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है. इसका मतलब इस पे, इस पूरे पे 14 वोल्ट पोटेंशियल नहीं है, थोड़ा कम है. कितना होगा उसको निकालने के लिए पहले इन दोनों पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं.
ठीक है, देखिए इनका निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू आई आर, सो आई है टू, आर है थ्री, यू हैव सिक्स वोल्ट्स, और इस पे क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू आई आर, आई है टू, आर है फोर, यू हैव एट वोल्ट्स, सो इस पे बी टू की वैल्यू 8 वोल्ट आई इस पे, और इस पे कितना है 6 वोल्ट्स, 4 ओम पे 8 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इस पूरे पे कितना होगा 8 वोल्ट पोटेंशियल होगा, क्यों, क्योंकि ये 4 ओम जो है ये इसी के सॉल्यूशन से निकला है, इन दोनों को सॉल्व करते थे तो 4 निकलता था, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व किया 4 निकला, इस पे 8 ओम है, सॉरी 8 वोल्ट है, तो इस पे भी 8 वोल्ट होगा। अब I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, 8 वोल्ट 12 ओम, सो I1 विल बी इक्वल टू 8 बाय 12, दिस बिकम्स 2 बाय 3.67 एंपियर। फिर इधर चलते हैं I2 की वैल्यू देखें, तो I2 आ गया 8 बाय 6 बन गया 4 बाय 3 1.33 एंपियर, and this is the value of I1 and I2. Check अगर करना हो कि क्या मेरा आंसर सही है कि नहीं, देखो टोटल करंट कितना है 2, इन दोनों का एडिशन भी क्या आना चाहिए 2, ऐड करो, देखो ये बना 0, this becomes 0 and this becomes 2, so 2 ampere ही आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टोटल करंट ही ब्रांच में जाके डिवाइड होता है, ब्रांच में आया करंट और डिवाइड हो गया, ब्रांच में आया डिवाइड हो गया, तो यहां पर वही तो चीज है, 2 ओम यहाँ, 2 एम्पियर यहाँ से आएगा 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 आएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, फिर वापस कंबाइन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो यही चीज यहाँ पर भी हमने क्या किया, इसमें आई वन आई टू की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले इस पर पोटेंशियल निकाला 8 वोल्ट, जब पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया, 8 वोल्ट जब पोटेंशियल कैलकुलेट हो गया, उसके बाद आई वन आई टू की वैल्यू निकाली V इज इक्वल टू आई आर यूज करके, बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं फास्ट। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं बेटा, यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, बताइए फास्ट, यस चलिए, नाउ दो स्टूडेंट्स रेज हैंड्स जिनको कोई डाउट है, जिनको कोई डाउट है हैंड रेज करें, वो Yes, Naina, what is the doubt? Hello, good morning, sir. Good morning. Sir, will you please explain that first question again? This question, this part? No, sir, sir, जो आपने पहले कराया था ना? बेटा पहले कराया था, तो आप ऐसा करो, आप मुझे कॉल, क्लास के बाद कॉल मी, ठीक है? Yes, sir. मेरे फोन नंबर पे आप कॉल कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन तो नहीं, कौन सा क्वेश्चन था, इतने सारे क्वेश्चन करवा चुका हूँ, फर्स्ट कौन सा होगा, ठीक है ना, कॉल कर लो आप, वहाँ पे बता दूँगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, यस, तौशिक। हेलो। यस तौशिक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे पूछना है सर, अगर रेजिस्टेंस लगा रखा है तो करंट की वैल्यू कम थोड़ी ना हो रही है? नहीं सर, तो फिर रेजिस्टेंस उसकी एनर्जी कम कर रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन की, मतलब सिर्फ एनर्जी, और सर आई क्यू बाय टी होता है, तो एनर्जी अगर कम हो रही है तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी, अगर स्पीड कम हो जाएगी तो कम टाइम में कम चार्ज निकलेगा, तो सर आई तो कम होना चाहिए ना, सिर्फ एनर्जी क्या वेलोसिटी की फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करती है क्या सर, काइनेटिक एनर्जी होगी ना, सिर्फ क्या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही एनर्जी होती है, नहीं सर पोटेंशियल भी होती है, पोटेंशियल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, केमिकल भी होती है, कई तरीके की एनर्जीज होती है, यहाँ पर तो काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी दिखाई जाएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी तो हो सकती है, यस सर हो सकती है, रोटेशनल एनर्जी भी तो हो सकती है, हो सकता है इलेक्ट्रॉन जब आ रहा हो तो घूमता घूमता आ रहा हो, अपनी एक्सिस पे रोटेट होता हुआ आ रहा हो, यस सर सही है, सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी व्हिच इज हैविंग, व्हिच द इलेक्ट्रॉन इज हैविंग, ठीक है, सिर्फ काइनेटिक नहीं है, यस थैंक यू सर। ओके, यस भाभी, भाभी जैन,
बताओ बेटा। टॉफिक टॉफिक अहमद, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, ये आई वन और आई टू सर वाला, ये वाला वापस समझा दो सर, इसमें समझ नहीं आया 8.12 और 8.6 कैसे आया। अनम्यूट ही रहना, ध्यान से देखिए। मुझे आई वन और आई टू निकालने के लिए इन ब्रांचेस के अंदर ये पैरेलल दिखता है कि नहीं दिखता, ये बताओ। यस सर, पैरेलल है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, पैरेलल में दोनों रेजिस्टेंसेस दोनों ब्रांच के पोटेंशियल सेम रहता है, लेकिन इस ब्रांच में कितना पोटेंशियल होगा उसको निकालने के लिए पहले हमने ये 8 वोल्ट निकाला। यहां तक तो क्लियर है? यस सर। ये 8 वोल्ट कैसे आता है? यस सर, डबल कर दिया। ठीक है, डबल नहीं किया, करंट से आर को मल्टीप्लाई किया, करंट से रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया, वी इज इक्वल टू क्या होता है? आर। यस सर। ठीक है, आई कितना है? 2 है। आर कितना है? 4 है। मल्टीप्लाई किया 8 है। ओके सर। 8 वोल्ट इस पे भी है, 8 वोल्ट इस पे भी है। ठीक है, 8.12 पे भी है और 8.6 पे भी है, तो V इज इक्वल टू आई आर। फिर आई की वैल्यू होती है V बाय आर, V कितना 8, R कितना 12, सॉल्व किया आंसर आ गया 0.67। फिर जब दूसरे के लिए लगाया तो V कितना है 8, R कितना 6, डिवाइड किया 4/3, आंसर आ गया 1.33। यस सर। क्लियर हुई बात? यस सर, थैंक यू सर। ओके, यस यश मोदी, यश बताइए। सर हम रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखकर सर करंट को चेंज कर सकते हैं? रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रख के करंट को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, पोटेंशियल की वैल्यू कम ज्यादा करके। ओके सर। ओम्स लॉ क्या कहता है? करंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बदल दूं, बैटरी 2 वोल्ट की थी, 5 वोल्ट की ले आया, करंट बदल गया, रेजिस्टेंस उतना ही। ठीक है, बैटरी 5 वोल्ट की लगी हुई थी, 100 वोल्ट की लाके लगा दी, तो रेजिस्टेंस तो सर्किट में उतना ही है, लेकिन करंट अब बदल जाएगा। तो करंट बदला जा सकता है रेजिस्टेंस को कॉन्स्टेंट रखते हुए, अगर मैं बैटरी को चेंज कर दूं, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ही चेंज कर दूं। आइए इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करेंगे फटाफट। तो आशिक, अभी तूने कुछ सवाल पूछा था ना कि सर कितनी वेलोसिटी कम क्यों नहीं होती? वेलोसिटी जो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन सर्किट में चलता है उसको बोलता बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू होती है 10^-4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये वैल्यू आप ये सब पढ़ते हो, बट इन जी नॉट इन दिस क्लास, या पढ़ोगे जाके आगे 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी दोबारा आता है, वहां ये सारी चीज पढ़ी जाती है। चलिए, सो ये है मेरे पास बैटरी 10 वोल्ट की, दिस इज 5 ओम, दिस इज 15 ओम एंड दिस इज ऑल्सो 15 ओम। ठीक है, ये 25 वोल्ट की बैटरी, 25 वोल्ट की बैटरी है। My question is, first of all, calculate R equivalent, then total current, then I1 and I2. I1, I2 कहाँ है? यहाँ पर है I1, यहाँ पर है I2. कौन बता सकता है? एंट्रेस करके बताइए। R equivalent निकालना है, current निकालना है, total I1 I2 की वैल्यू निकाल ली। यस दक्ष, अतुल, गुड मॉर्निंग सर। R इक्विवेलेंट वैल्यू होगी सर 12.5 ओम। 12.5, ओके।
एंड सर करंट होगा 2 एम्पियर. 2 एम्पियर ओके. और सर इसका मैंने अभी निकाला नहीं है, सॉरी सर. ठीक है. यस यश, आई वन आई टू की वैल्यू बताओ. श्रेया बताओ आई वन आई टू की वैल्यू. कैसे बताएंगे देखो. तो यहाँ से अपन देखते हैं, सबसे पहले देखिए आर इक्विवेलेंट, ये दोनों दिख रहे हैं पैरेलल में, पैरेलल में दिख रहे हैं. तो ये लो ऐसे ये बन गया 5 और ये बन गया 7.5. दोनों सीरीज में आर इक्विवेलेंट बन गया 5 + 7.5 = 12.5. ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, V की वैल्यू कितनी है 25 वोल्ट, करंट कितना होगा, तो I is equal to 25 divided by R which is 12.5. पॉइंट हटाया ऊपर गया, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 एम्पीयर नेट करंट आ गया. इसका मतलब देखो, यहां से 2 एम्पीयर निकला, यहां से निकला, इस पार्ट से 2 एम्पीयर गया और ऊपर और नीचे डिवाइड हो गया. ऊपर भी 15 है, नीचे भी 15 है, इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा. यहां से भी 1 एम्पीयर चला जाएगा और यहां से भी 1 एम्पीयर चला जाएगा. तो आई वन की वैल्यू भी 1 और आई टू की वैल्यू भी 1 एंड दिस इज द आंसर. ये मेरे पास फाइनल आंसर आ जाता है. आई वन आई टू की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आई, 1 एम्पीयर निकल के आ जाती है. सेम क्वेश्चन था कल, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. फटाफट बताइए ये यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज इससे इतना ही. किसी को कोई डाउट हो क्लास के बाद यू कैन कॉल, आप बड़े आराम से कॉल कर सकते हो. ठीक है, अपन जो भी डाउट हो वहां पर देख लेंगे. नोट्स जब आप भेज रहे हो तो साथ में अपना नाम भी भेजिए. सिर्फ फोटो खींच के भेजने से कुछ नहीं मिलेगा, नाम भी भेजना पड़ेगा, मुझे पता तो चले कि किसकी कॉपी आई है. सही है, तो आप अपना नाम भी भेज. अपन मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन ऑल द बेस्ट. आप लोग रिवाइज करते रहो, नोट्स आपको आज मिल जाएंगे. वीकेंड पे आप उसको पूरा तैयार करके मुझे नोट्स भेजिए, विद नेम भेजिए. ठीक है, सभी लोग विद नेम.